विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल के अंतर्गत प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों के अध्ययन में पूर्वी व पश्चिमी घाट के बारे में तथा तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में। तो हम देखते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी घाट की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए भारत के जब हम मानचित्र देखते हैं और गुजरात से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी से ये जो एक महत्वपूर्ण भाग है उस महत्वपूर्ण भाग में ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आप देखिए गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक का जो भाग है जिसमें मुख्य गुजरात दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका केरला ये जो मुख्य राज्य हैं उनके तटीय भाग जो हैं वो मुख्य रूप से तटीय मैदान कहलाते हैं। इस तटीय मैदान के सारे सारे एक ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट तथा इसी तरह से दक्षिण में नीलगिरी से कन्याकुमारी वाले रीजन से लेकर जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं और उड़ीसा के तक आते हैं तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उसके बाद मुख्य रूप से उड़ीसा ये जो राज्य हैं इन राज्यों में जो अलग अलग रूप में पहाड़ियां पाई जाती है वह पहाड़ियां पूर्वी घाट के नाम से जानी जाती है और उसके बाद आगे का जो भाग है वह पूर्वी मैदान के रूप में। तो अब जब हम तटीय मैदान की बात करते हैं तो ये जो पश्चिमी पहाड़ियों का क्रम है जिनको हम सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं इन सह्याद्री पर्वतमालाओं के पश्चिम में का जो एक सकरा भाग है वह पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है तथा उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक में जो विभिन्न खंडित पहाड़ियां पाई जाती है उन पहाड़ियों से तट तक का जो भाग है वो पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। जब हम द्वीप समूह की बात करें तो लक्षद्वीप जो कि प्रवाल द्वीप के रूप में है वो अरब सागर में स्थित हैं तथा मुख्य रूप से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो कि पहाड़ियों के रूप में माना जाता है कि जब हिमालय का निर्माण हुआ था तथा प्रायद्वीपीय पठार और अंगारा लैंड का जब आपस में टकराव हुआ और उस मोड़ के कारण वलन पड़ने से कुछ पहाड़ियां जो कि अक्ष संघीय मोड़ के सहारे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है नागालैंड से लेकर उन्हीं पहाड़ियों का अंतिम विस्तार जो कि बंगाल की खाड़ी में विलीन हो गया उसका कुछ भाग जो कि बंगाल की खाड़ी में हमें दिखाई देता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में है। तो जब हम देखते हैं तो सामान्य से हमें भू आकृति दृष्टि से इन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखना है कि सह्याद्री पर्वतमाला और सह्याद्री पर्वतमाला के पश्चिम का भाग पश्चिमी तटीय मैदान तथा जो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक का भाग है जिसमें अलग अलग खंडित पहाड़ियाँ पाई जाती है उन पहाड़ियों के पूर्व का जो भाग है जिसमें अधिकांश नदियाँ जो कि इस प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिम से पूर्व दिशा में बहकर डेल्टा का निर्माण करती है वह मैदान पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। तो हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट का सीमांकन की जब हम बात करें तो देखिए पश्चिमी घाट जो है वो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबा है। औसत ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट में उत्तर में 50 किलोमीटर और दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई पाई जाती है अर्थात ये उत्तर में सकरा है दक्षिण में थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर औसत चौड़ाई की बात करें तो 60 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई मिलती है। ये एक पर्वत श्रेणी न होकर एक भ्रंश कगार जो कि अफ्रीका से भारत के अलग होने से उत्पन्न हुआ था। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को हम सह्याद्री कहते हैं। ताप्ती नदी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इस भाग में बेसाल्टिक लावा का हमें जमाव मिलता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है जिसमें नीलगिरी तक का भाग है तो हम इसे दो भाग करते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसमें ताप्ती नदी से तो अगर ये जो खंड है इसमें ताप्ती नदी से लेकर 16 डिग्री तक का जो भाग है उसमें बेसाल्टिक जमाव मिलता है और उसके दक्षिण का जो भाग है उसमें
सामान्य रूप से जो दक्षिणी भाग है उसमें नीलगिरी ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिलती है। इसकी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबाई 1646 मीटर है। महाबलेश्वर इसकी दूसरी सबसे प्रमुख चोटी है, जो कृष्णा नदी जहाँ से इसका का उद्गम होता है महाबलेश्वर चोटी के पास से। दक्षिणी सह्याद्री की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मोड़ी है 2695 किलोमीटर। यहाँ ये तीन अलग अलग दिशाओं में मूव करती है, तो उत्तर की ओर जो है वो अन्नामलाई, उत्तर पूर्व की ओर जाती है वो पालनी, और दक्षिण की ओर जो जाती है वो इलायची की पहाड़ियाँ। तो यहाँ ये तीन डायरेक्शन होते हैं, उत्तर की ओर मूव करती है उसको हम कहते हैं अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में जो जाती है वो पालनी, और दक्षिण की ओर जो जाती है वो इलायची की पहाड़ियाँ कहलाती है। अन्नाई मुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊँची चोटी है उसका नाम अन्नाई मुड़ी है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उदक मंडलम या ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। सेनकोट्टा गेप इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। पर्यटक स्थल कोडाई कनाल जो है वो पालनी की पहाड़ियों में स्थित है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ऊटी जो है वो किन पहाड़ियों में है, तो आपको ध्यान रखना है ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों में है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोदा बेटा है, लेकिन अगर दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नाई मोड़ी है। पश्चिमी घाट उत्तर में कम चौड़े और कम ऊंचे हैं, दक्षिण में ये अधिक चौड़े और थोड़े ऊंचाई बढ़ जाती है। उत्तरी सह्याद्री में दो मुख्य दर्रे हैं, थालघाट और बोरघाट। थालघाट दर्रा जो कि मुंबई से कोलकाता रेल मार्ग जाता है, तथा बोरघाट दर्रे से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई का रेल मार्ग गुजरता है। उत्तरी सह्याद्री की औसत ऊंचाई 550 मीटर है, मध्य सह्याद्री लगभग 1220 मीटर, और दक्षिणी सह्याद्री की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 2600 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री में नीलगिरी व अन्नामलाई श्रेणियों के बीच में पालघाट दर्रा कालीकट निर्माण करता है। पूर्वी घाट की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए पूर्वी घाट जो है वो हमारा उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक का जो पूर्वी भाग है, बंगाल की खाड़ी के सारे सारे, उसे हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। तो ये जो है भाग पूर्वी घाट है, यहाँ सतत पर्वतीय ये भाग नहीं है, अत्यधिक टूटा फूटा भाग है, अक्रमबद्ध है, अधूरा पर्वत स्कंद है। ओडिशा में महानदी और तमिलनाडु में वेगई के मध्य इसका मुख्य विस्तार मिलता है। नीलगिरी में पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाट आकर मिल जाते हैं। यहाँ जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाट आकर मिल जाते हैं। पूर्वी पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 615 मीटर और औसत चौड़ाई जो है वो 190 किलोमीटर, दक्षिण में 75 किलोमीटर, अर्थात उत्तर में ये अधिक चौड़ा है, दक्षिण में आकर ये सकड़ा हो जाता है। तो यहाँ चौड़ाई अधिक हो जाती है लेकिन यहाँ चौड़ाई कम हो जाती है। बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली अधिकांश नदियों ने इसे अनेकों स्थान पर काट दिया है, इस तरह से इसको काटा हुआ है, खंडित किया हुआ है। ये अलग अलग पहाड़ियाँ हैं जैसे पालकोंडा, नल्लामलाई, जवादी और सेवराई के नाम से इन पहाड़ियों को हम जानते हैं। ये पर्वत गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के बिल्कुल भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात गोदावरी व कृष्णा जो डेल्टा है उनके बीच में पर्वत दिखाई नहीं देते हैं। पूर्वी घाट वास्तविक पर्वतों के रूप में केवल महानदी और गोदावरी के बीच ही पाए जाते हैं। पूर्वी घाट की जो प्रमुख चोटी है उससे उसका नाम है महेंद्रगिरी, जो कि आंध्र प्रदेश के गंजम जिले में है। यहाँ चर्कोनाइट और खंडोलाइट श्रेणी की चट्टाने पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट में नल्लामलाई पहाड़ियों के रूप में और नल्लामलाई के दक्षिण में पालकोंडा श्रेणी, तमिलनाडु में जावादी, जिंजी, कुल्लामलाई, पंचामलाई, सेवराव पहाड़ियाँ अलग अलग खंडित श्रेणियों में पाई जाती है। सामान्य रूप से पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम जिले में 1680 मीटर ऊंची मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं तटीय मैदानों की, तो भारत की जो तटरेखा है वो लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है, 6100 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक है। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमा तथा भारतीय तटरेखा के बीच सक्रिय मैदान को ही हम तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटरेखा व पश्चिमी घाट के बीच में स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटरेखा और पूर्वी घाट के बीच स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। ये मैदान या तो समुद्र की क्रिया से बने हुए हैं या नदियों के निक्षेप क्रिया द्वारा इनका निर्माण हुआ है। धरातल और संरचना संबंधी विभिन्नता यहाँ हमें बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देती है, तो हम सामान्य तटीय मैदानों को भी दो भागों में बांटते हैं,
पहला हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा हमारा पूर्वी तटीय मैदान। तो जब हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं तो कच्छ के रण से कुमारी अंतरीप तक, वही कच्छ के रण से कुमारी अंतरीप तक ये जो भाग है, ये भाग पूरा का पूरा इस तरफ का जो भाग है ये भाग कहलाता है हमारा तटीय मैदान। इसका ढाल अरब सागर की ओर है। चूँकि ये सकरा मैदान है इसलिए इसकी सकरा मैदान है, इसकी चौड़ाई अधिक 64 किलोमीटर है। धरातल और संरचना की दृष्टि से ये अनेकों उपभाग में, जैसे मुंबई के उत्तर में कच्छ प्रायद्वीप कहते हैं, काठियावाड़ गुजरात के मैदान के नाम से इसे जाना जाता है। मुंबई से गोवा तक जो भाग है वो कोंकण कहलाता है। गोवा से मैंगलोर तक कर्नाटक का मैदान कहलाता है। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो भाग है वह मालाबार का मैदान कहलाता है। तो यहाँ देखिए अलग अलग डिवीज़न है। सबसे पहले हमें कच्छ का मैदान मिलेगा, काठियावाड़ गुजरात का मैदान, उसके बाद जब हम मुंबई से गोवा तो बात करेंगे तो कोंकण आ जाएगा, कोंकण से के बाद कर्नाटक का मैदान, मैंगलोर गोवा से मैंगलोर तक का कर्नाटक, और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार का मैदान। ये कटाफटा है, इसके प्रमुख बंदरगाह मुंबई, मार्मागाव, मैंगलोर, कोची हैं। यहाँ बालू के अनेक टीले और लेगून मिलते हैं। कोची बंदरगाह एक लेगून पर ही स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच में पूर्वी तटीय मैदान मिलता है, जो कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यहाँ प्रमुख नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टाओं का निर्माण करती है। इसके कारण ये बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच उत्तरी सरकार तट, कृष्णा व कावेरी नदियों के बीच कोरोमंडल तट पाया जाता है। तो इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। महानदी से कृष्णा तक का जो भाग है वो उत्तरी सरकार कहलाता है। तो जब इस वाले भाग की हम बात करें तो इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। ये उत्तर का जो भाग है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है और दक्षिण का जो भाग है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। अनेक लेगून जिले यहाँ भी मिलती है। भारतीय द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो देखिए भारत में मुख्य स्थल के अतिरिक्त हिंद महासागर में बहुत से द्वीप हैं। कुल द्वीपों की अगर हम बात करें तो लगभग 247 द्वीप हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार के अराकोनियम विस्तारित निमज्जित श्रेणी के हैं। अराकोनियम का ही जो अगला विस्तार है, जो कि निमज्जित हो गया है, सागर में के भीतर अवतुलित हो गया है, उसी का अग्रिम विस्तार है। अरब सागर के जो द्वीप हैं वो प्रवाल भित्तियों के जमाव हैं। इसके अतिरिक्त गंगा के मुहाने पर हैं, मन्नार की खाड़ी में, पूर्वी और पश्चिमी तटों के सारे डेल्टाई जमाओं पर भी तटीय द्वीप मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये एक अलग है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो हम बात करते हैं पहले बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप की जब हम बात करते हैं तो देखिए बंगाल की खाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में हुगली नदी के सामने 20 किलोमीटर लंबा एक गंगा सागर द्वीप है, जो कि धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। एक न्यूमूर द्वीप का उद्भव हुआ था जो, और नेल्लोर के निकट एक श्री हरिकोटा द्वीप है जो कि भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में अनेक छोटे छोटे प्रवाल द्वीप भी मिलते हैं, जैसे पंबन द्वीप। तट से दूर द्वीपों की बात करें तो उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो द्वीप समूह हैं वो टेस्ट्रियुग की बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल से बने हैं। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका निर्माण किससे हुआ है, टेस्ट्रियकालीन बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल समूह से। अंडमान द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक, जो 728 मीटर ऊंची है। अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में जो द्वीप समूह उसका नाम है निकोबार द्वीप समूह, जो 19 द्वीपों का समूह है। इस द्वीप समूह के उत्तरी भाग को कार निकोबार कहते हैं और दक्षिणी भाग को ग्रेट निकोबार कहते हैं। इस समूह का सबसे बड़ा द्वीप कार निकोबार है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इस द्वीप में स्थित बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि नारकुंडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। तो अगर आपको द्वीप ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो बेरन जो है वो एक सक्रिय है और नारकुंडम है वो सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। अगर हम अरब सागर के द्वीप की बात करें तो काठियावाड़ के दक्षिण में और पूर्वी तटों के निकट अनेक चट्टानी द्वीप मिलते हैं, जैसे पारम, भौंसल द्वीप है। मुंबई के निकट हेनरे, केनरे, बूचर, एलिफेंटा और नाला द्वीप हैं। अनेक कांप बिछे द्वीप भी हैं। कच्छ की खाड़ी में वेदनोरा, पीरम, करुमार प्रमुख द्वीप हैं।
इसके अलावा जब हम द्वीप समूह की बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूभाग है भारतीय मरुस्थल, तो इस मरुस्थल की बात करें तो ये राजस्थान में थार के मरुस्थल के नाम से है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम में, पश्चिमी किनारे पर। तो जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो मुख्य भाग है सामान्य रूप से ये अरावली श्रेणियों के, जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, कुल मिलाकर लगभग 12 जिले ऐसे हैं जिनमें इस भारतीय मरुस्थल का विस्तार मिलता है। तो ये थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है जिसमें प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वनस्पति का बहुत कम विकास हुआ है। यहाँ की जो भूगर्भिक चट्टान है उसमें भी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार मिलता है, लेकिन अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण यहाँ की जो धरातलीय आकृतियाँ वो भौतिक अपक्षय और पवन की क्रिया के द्वारा निर्मित हुई है। तो यहाँ मुख्य जो कारक हैं धरातलीय आकृतियों के निर्माण के, वो भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया है। वर्षा ऋतु में कुछ अल्प सरिताएँ बन जाती है जिसके बाद वो बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वो समुद्र तक नहीं पहुँचती है, जिसके मुख्य उदाहरण लूनी नदी है। लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है जो कि अजमेर में आनासागर झील से निकलती है और कच्छ के रन की तरफ प्रवाहित होती है। यहाँ के जो प्रमुख बालू का टीले हैं वो बरखान है, जो अर्धचंद्राकार आकृति में मिलते हैं इस तरह से। इनका मध्यवर्ती भाग चौड़ा होता है और किनारे वाले भाग संकरे होते हैं। तो ये जो भाग है मध्यवर्ती भाग, ये अत्यधिक चौड़ा होता है, इसको हम बरखान कहते हैं। इसका नाम है बरखान, विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। लंबवत टीले जो हैं वो भारत पाकिस्तान सीमा के पास में प्रमुखता से मिलते हैं। ये लंबवत टीले इस तरह से जो हैं एक लंबाई लंबवत आकार में मिलते हैं। जैसलमेर में बरखान बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। तो आज जैसे भूआकृतिक प्रदेशों की हमने बात करी, तो हम सामान्य रूप से हिमालय की बात करते हैं, उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद द्वीप समूह की बात करते हैं, तटीय मैदान की बात करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण भूआकृतिक विशेषताएँ पाई जाती है। आप लोग सभी छात्रों से निवेदन है कि वो घर पर ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखें, जिससे आपको ऑनलाइन शिक्षण में थोड़ी सुविधा हो। धन्यवाद।